इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि एक महीना जिम कंटिन्यू छोड़ने के बाद शरीर में क्या चेंजेस आए, क्या मुझे फील हुआ और क्या आपको फील हो सकता है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी लंबे अरसे बाद ऐसे इंटरेक्शन वाला व्लॉग बना रहा हूँ। एक महीने से मैं जिम ऑफ में हूँ, मतलब मैंने कोई किसी भी तरह का जिम नहीं किया है। तो अब मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आए, इतने टाइम बाद मैंने सडनली जिम छोड़ दिया, ये हम आज देखेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं गांव आया हूँ पिछले काफ़ी अरसे से, मुझे तकरीबन एक महीना हो गया है गांव आए हुए। और मैं गांव क्यों आया हूँ और क्यों मैंने जिम ऑफ किया, ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। पहाड़ों के धूप का आनंद लेते हो मेरा जेरी। जेरू जेरू, ये अपने से फेवरेट सड़े हुए टैडी पे सोया हुआ है। आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे मतलब धूप वाला मौसम हो गया ना, तो पहले इतनी धुंध धुंध थी वो क्या थी ना, इतनी सारी धुंध सी हो गई थी अजीब सी। और इट्स मिड ऑफ नवंबर, मतलब इट्स मिड ऑफ नवंबर, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला नवंबर भी, लेकिन ये नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि हाँ मतलब ऐसे नवंबर वाली सर्दी है। इट्स लाइक हाँ मतलब सितंबर अक्टूबर का मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा सर्दी नहीं। वेदर देखो आप, चेक करो, बिल्कुल ऐसे कड़ाके की धूप निकली है, वो वहाँ तक पूरा से पूरा प्रॉपर सन। और ये हमारे खेत हैं नीचे कुछ छोटे से, इसमें कुछ लगाया मम्मी क्या, मेथी धनिया पालक सरसों, इसमें नीचे वाले में मूली मूली मेथी धनिया पालक सरसों। काफ़ी कुछ चेंज हो गया घर पे, मैं अभी एक लंबे अरसे बाद गांव आया हूँ। इस अमरूद के पेड़ पे लौकी की बेल चढ़ गई है, जिसकी वजह से इतनी सारी लौकी लगी इस पे, तो वेट आने से पेड़ टेढ़ा हो गया है। हाँ दिखाता हूँ आपको, जूम कर अगर देखिएगा यहाँ से, मेरे हाथ देखो लाल लाल हो रखे हैं और ये भी लाल हो रखे हैं, माथे पे तिलक है। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, तो घर पे कुछ दिनों का पाठ चल रहा है। ओम सामवेदाय नमः, ओम अथर्ववेदाय नमः, ओम कलसाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम समुद्राय नमः, ओम गंगाय नमः, तस्यस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणः संहृतम् सूतु सागरः। तो मेरा डेली रूटीन ये है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ और डाइट वगैरह कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। तो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता मैं, सिर्फ फ्रूट्स है बीच में अगर कुछ खा लिया। तो चार पाँच दिन का भी ये पार्ट चलेगा, उसके बाद विल सी क्या होता है आगे। ये रहा मेरा अभी का खाना, जिसमें है एप्पल्स और बनाना। वाह वाह क्या राइमिंग करता हूँ, एप्पल और बनाना जो कि है मेरा खाना। फटाफट इसको निपटाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हूँ टॉपिक पे कि क्या मेरे अंदर चेंजेस हुए जब मैंने जिम छोड़ा पूरे एक महीने के लिए। एक महीने से ऊपर ही हो गया मुझे लगभग जिम किए हुए, और इस नवंबर भी मैं जिम नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक काफ़ी वीकनेस है और डाइट उस तरीके से नहीं है। जेरी के लिए क्या आया, क्या लेके आई मेरी मम्मी, परोठा खा लो जेरी का परोठा, जेरी को परोठा खा लो, खा लो। अच्छा नहीं खा, नहीं खा, खा तू ही खा, झूठ बोल रहा हूँ मैं, खा ले खा ले। छावा ऐसा मौसम है, बाहर बैठो गर्मी लग रही है, अंदर जाओ ठंड लग रही है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर ऐसा करके चल रहा है तब से। तो इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि एक महीना जिम कंटिन्यू छोड़ने के बाद शरीर में क्या चेंजेस आए, क्या मुझे फील हुआ और क्या आपको फील हो सकता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। मेरे एक महीने तक जिम छोड़ने का सबसे मेन रीज़न ये है कि मैं सडनली बीमार हो गया था, और इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि एज यू गाइज नो कि मैं मोहाली रहता हूँ, तो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि तकरीबन तीन चार दिन मैं बेड पे ही रहा मोहाली, ना जॉब पर जा सका, ना कुछ कर पाया, ना जिम कर पाया। और जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आई कॉन्ट इवन हैंडल दैट सिचुएशन, तो मुझे रातों रात घर आना पड़ा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया एंड दे ड्रॉप मी टू बिलासपुर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हम वापस आए रातों रात, और उसके बाद मेरे कुछ टेस्ट हुए एंड ऑल। तो 15 से 16 दिन ऐसे थे जो मैंने लगभग बिस्तर पर काटे हैं दवाइयों के सहारे। उसके बाद जाकर मैं कुछ दिनों में अब ठीक हुआ हूँ, लेकिन स्टिल आई हैव वेरी लो एनर्जी और काफ़ी जल्दी थक जाता हूँ चढ़ाई करके या कुछ चल के वर्कआउट करके। तो अभी कोई ऐसा वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने ब्लॉग्स उठा के देखना उसका फेस, मेरा फेस अभी बहुत फ़र्क है। और एज सच मेरे पास कोई ऐसे मतलब लैंडस्केप एज सच मेरे पास कोई ऐसी बड़ी क्लिप्स नहीं है जिसमें मैं पुरानी आपको बॉडी दिखा सकूँ, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स डाली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी की आप कंडीशन देख लो भाई क्या ही है, दिखाता हूँ एक बार आपको। अभी की ये देख लो भाई कुछ ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल सूख गया हूँ मैं लिटरली।
लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे क्या फील कर रहा हूँ एक महीना जिम छोड़ने के बाद, सबसे पहली बात मैं एनर्जी में बहुत लो फील कर रहा हूँ। सॉरी, एनर्जी में लो इसलिए फील कर रहा हूँ कि जिम गिव्स मी एनर्जी, ना जाने की वजह से काफ़ी अंदर एनर्जी लो लग रही है, डाइट पूरी नहीं हो पा रही उसकी वजह से एनर्जी लो लग रही है, शरीर टूट रहा है, जल्दी थक जा रहा हूँ। तीसरा मतलब कुछ मिसिंग सा लग रहा है लाइफ में, जैसे कुछ मिसिंग हो जाता है वैसा उस टाइप का कुछ मैं फील कर रहा हूँ फिलहाल। और सबसे जो अच्छी बात है, जो जिम मैंने ड्रॉप किया कुछ टाइम से और उसके बाद मैं डाइट भी नहीं ले पाया, उसकी वजह से एक चीज़ अच्छी हुई है जो कि है मेरा बॉडी फैट का परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ वेट भी कम हुआ है। तो अब ये फ़ायदा है कि अगर मैं जब वापस जिम ज्वाइन करूँगा और अच्छी डाइट लूँगा तो मेरा फैट काफ़ी ऑलरेडी कम हो चुका है, वो काफ़ी अच्छा करेगा लीन बल्किंग में। तो 20 नवंबर भी मैं ऐसा कोई जिम ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। आई वॉन्ट कि पहले बॉडी अच्छी रिकवर हो जाए एंड देन दिसंबर से वापस जिम शुरू करेंगे। लुक एट दैट कैट, कहाँ सोई है वो? सबके अपने सीक्रेट ठिकाने हैं भाई। बाकी धूप देख लो इतनी कड़ाके की धूप हो रही है भाई, कौन ही बोलेगा इतने, इसको नवंबर का मंथ है, सबसे टॉप फ्लोर पे आया था इसी वीडियो बनाने। लुक एट दिस, स्टिल इट्स लाइक मिड ऑफ सितंबर अक्टूबर। ये है अपने खेतों की बिल्कुल ऑर्गेनिक हरी मिर्च जो कि सूख के लाल हो चुकी है। तो जैरी ने ये वाला टेडी फाड़ दिया था 2 दिन पहले और मम्मी इसको ठीक कर रहे हैं और ये वेट कर रहा है कि कट ठीक करेंगे। क्या हुआ जी? जी क्या करें मम्मी टेडी को? ठीक कर रहे हैं इसको, ठीक कर रहे हैं, इसे आँख में लगे सुलपी छट पी छट करो, ठीक कर रहे हैं। एक और कुछ थोड़ी कर रहे तेरे टेडी को, ठीक लाया करने। हो गया ठीक, ये जाओ एक साइड फाड़े जाओ। पसंद आया होगा, ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है कि चीज़ें जो है बॉडी टू बॉडी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन स्टिल अगर आपको थोड़ा सा वीडियो मस्त लगा हो, मज़ा आया हो, तो बिना कमेंट किए बिल्कुल नहीं जाना, बिना लाइक किए बिल्कुल नहीं जाना, और शेयर पे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं, शेयर करना है तो भी तुम्हारी मर्जी, नहीं करना तो भी मर्जी। और इसी सनसेट के साथ हम विदा लेते हैं, दिल दुखा है क्या था वो डायलॉग मैं भूल गया। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सब लोग अपना ध्यान रखो और ऐसे प्यारे प्यारे सनसेट एंजॉय करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।